है। फॉर लेटेस्ट वीडियोस ऑफ रेडियो उड़ान सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल बटन। अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो चलिए, इन दिस 347th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 इंटरेस्टिंग वर्डिंग्स ट्रेवलर्स शुड नो पार्ट टू। जी हाँ, लास्ट वीक ऑल्सो वी हैव स्पोकन अबाउट 16 वर्डिंग्स जो कि ट्रेवलर्स या जिनको ट्रेवलिंग करना पसंद है उन्हें पता होनी चाहिए। तो आज भी हम पार्ट टू में और 16 ऐसे ही कुछ वर्डिंग्स की बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग। This is the first segment of this 347th episode and we are talking about 16 trending wordings that travelers should know part 2. जी हाँ, ऐसी वर्डिंग्स जो कि अक्सर ट्रेवलर्स यूज करते हैं और आपको भी पता होनी चाहिए उनकी बात चल रही है। तो चलिए, जो पहला वर्ड है शाम का वो है जेट सेटर। जेट सेटर, JETSETER, जेट सेटर, ये इकट्ठे वर्ड जेट सेटर, JETSETER, जेट सेटर, यानी कि अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रीक्वेंटली स्पेशली बाय एयर। कोई व्यक्ति जो अक्सर टाइम टू टाइम ट्रेवल करता है काफी, और अक्सर एरोप्लेन से ट्रेवल करता है, फ्लाइट से ट्रेवल करता है, बाय एयर ट्रेवल करता है, तो वो जो था जेट सेटर। जैसे एग्जाम्पल दे देती हूँ, एज अ जेट सेटर मार्क फ्रीक्वेंटली होप बिटवीन हॉप्स बिटवीन कॉन्टिनेंट्स फॉर बिजनेस मीटिंग्स, रेयरली स्पेंडिंग मोर टाइम मोर देन अ फ्यू डेज इन वन प्लेस। फिर से बता देती हूँ, एज अ जेट सेटर मार्क फ्रीक्वेंटली हॉप्स बिटवीन कॉन्टिनेंट्स फॉर बिजनेस मीटिंग्स, रियली स्पेंडिंग मोर देन अ फ्यू डेज इन वन प्लेस। कि मतलब बिजनेस को लेके या किसी काम को लेके जो मार्क है वो अक्सर घूमता रहता है, हॉप करता रहता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जंप करता रहता है और एक जगह पे कुछ दिनों से ज्यादा नहीं रहता। क्लियर? सो जेट सेटर। इसी के बाद जो दूसरा वर्ड है शाम का वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, ग्लोब ट्रॉटर। ग्लोब ट्रॉटर, ग्लोब ट्रॉटर, GLOBETROTTER, ग्लोब ट्रॉटर, ये इकट्ठे वर्ड है, GLOBETROTTER, ग्लोब ट्रॉटर, यानी कि मीनिंग होता है समवन हु ट्रेवल्स वाइडली एंड फ्रीक्वेंटली। कोई व्यक्ति जो बहुत अलग अलग जगहों पे घूमता है और बहुत थोड़े थोड़े समय के बाद घूमता है, यानी कि एक साल में या दो साल में एक बार वो हर दूसरे महीने कहीं ना कहीं घूमने गया होता है, तो उसे हम कह सकते हैं ग्लोब ट्रॉटर। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, जेरी अ ट्रू ग्लोब ट्रॉटर हैज विजिटेड ओवर 50 कंट्रीज इमर्सिंग हिमसेल्फ इन डाइवर्स कल्चर्स एंड क्विजींस। मतलब क्या बता रहे हैं हम यहाँ पे, कि जेरी जो कि ग्लोब ट्रॉटर है, कि अक्सर टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं घूमता रहता है, वो 50 से ज्यादा कंट्रीज में घूम चुका है, अलग अलग कल्चर्स को वो फील कर चुका है और साथ ही क्विजींस टेस्ट कर चुका है, खाना पीना अलग अलग जगह का। क्लियर? सो आई होप यू गॉट द सेंस। तो नेक्स्ट टाइम इफ एनीबडी यूजेज द वर्ड ग्लोब ट्रॉटर यू शुड नो व्हाट दे आर सेइंग। इसी के बाद जो थर्ड वर्ड आ रहा है शाम का वो है एक्सप्लोरर। ये भी आपको पता होगा, ये तो इजी वर्ड है, एक्सप्लोरर, EXPLORER, एक्सप्लोरर, आई रिपीट, EXPLORER, एक्सप्लोरर, यानी कि समवन हु ट्रेवल्स टू न्यू और अनफेमिलियर प्लेसेस इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट देम। मतलब कोई व्यक्ति जो नई नई जगहों पे जाता है जहां वो पहले ना गया हो, कुछ सीखने के लिए, नई नई चीजें एक्सपीरियंस करने के लिए, तो वो हो जाता है एक्सप्लोरर, EXPLORER, एक्सप्लोरर। जैसे विद अ पैशन फॉर डिस्कवरी द एक्सप्लोरर वेंचर्ड इनटू अनचार्टेड टेरिटरीज डॉक्यूमेंटिंग रेयर स्पीसीज एंड स्पेसेस। मतलब ये जो पैशन होता है कई लोगों पे कि नई नई जगह ढूंढे हम, तो फॉर द पैशन फॉर डिस्कवरी द एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर कोई व्यक्ति जिसको नई नई जगहों पे जाना, जहां पे कोई नहीं जाता, वो जाना, नई नई जगहों को देखना वो अच्छा लगता है, तो वो वेंचर करता है इनटू, मतलब ऐसी ऐसी चीजों में वेंचर करता है, ऐसी ऐसी टेरिटोरीज में जाता है जहां पे लोग अक्सर नहीं जाते, और वहां जाके डॉक्यूमेंट करता है, उन चीजों को नोट करता है, लिखता है, या वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करता है उनकी। तो ये कहने का तरीका, एक्सप्लोरर इज अ पर्सन जो कि नई नई जगह पे जाता है, वहां की चीजें फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, उनको कैप्चर भी करता है। क्लियर? तो चलिए, कोई भी डाउट है एक्सप्लोरर को लेके या किसी और वर्ड को लेके, यू कैन ऑलवेज आस्क
You can drop me an email on my email ID divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com, or you can reach out to us on our YouTube channel Radio Udaan. Therein you can find vocabulary dose playlist, and therein you can drop your doubts, questions, or anything you want to ask in the comment area of any episode of Vocabulary Dose. अभी के लिए द फोर्थ वर्डिंग फॉर द इवनिंग इज एडवेंचरर. ये भी एक अच्छा वर्ड है, सिंपल वर्ड है, एडवेंचरर. ADVENTURER, एडवेंचरर. एडवेंचरर यानी कि अ पर्सन हु सीक्स थ्रिलिंग एंड ओफन रिस्की एक्सपीडिशंस या एक्सपीरियंसेस. कोई व्यक्ति जिसको अलग अलग तरीके की थ्रिलिंग, बहुत ज्यादा थ्रिल वाली चीजें पसंद है, रिस्क लेने वाली एडवेंचर्स पसंद है, घूमना, जैसे पहाड़ों पर जाना, ऐसी ऐसी जगहों पर जाना जो कि रिस्की है, तो वो एडवेंचरर है. घूमने जाता है ऐसी ऐसी जगहों पर, तो एडवेंचरर यू कैन यूज. ओके, जैसे एलेक्स एडवेंचरस स्पिरिट लेड हिम टू स्केल टॉवरिंग पीक्स, डाइव इन टू डीप ओशंस एंड मोर. मतलब जो एलेक्स का एडवेंचरस स्पिरिट है कि उसको भूख रहती है कि अरे मैं अलग अलग एडवेंचर करूंगा, थ्रिल करूंगा, रिस्क लूंगा, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो बहुत बड़ी बड़ी पीक्स पे चढ़ा हुआ है, बहुत डूंगे ओशंस में उसने डाइव मारी हुई है, और ऐसी काफी काफी चीजें की हुई है. क्लियर? सो एलेक्स एडवेंचरस स्पिरिट लेड हिम टू स्केल टॉवरिंग पीक्स, डाइव इन टू डीप ओशंस एंड मूव. क्लियर? तो ये हो गए हमारी फोर वर्डिंग्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 347th एपिसोड. तो आपके लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं ताकि कोई अगर वर्ड छूट गया तो फिर से दोहरा लें. पहला वर्ड इस शाम का था जेट सेटर, JETSETER, जेट सेटर यानी कि अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रीक्वेंटली स्पेशली बाय एयर. कोई व्यक्ति जो फ्रीक्वेंटली ट्रेवल करता है बाय एयर, अक्सर फ्लाइट में ट्रेवल करता है, तो उसे हम कहते हैं जेट सेटर. जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, एज अ जेट सेटर मार्क फ्रीक्वेंटली हॉप्स बिटवीन कॉन्टिनेंट्स फॉर बिजनेस मीटिंग्स, रेयरली स्पेंडिंग मोर देन अ फ्यू डेज एट अ प्लेस. यानी कि जेट सेटर होते हुए मार्क जो है वो अक्सर यहाँ वहां ट्रेवल करता है बिजनेस मीटिंग्स के लिए, और वहां पे वो कुछ दिनों से ज्यादा नहीं रुकता. क्लियर? तो चलिए दूसरी जो वर्डिंग थी शाम की वो थी ग्लोब ट्रॉटर, GLOBETROTER, ग्लोब ट्रॉटर यानी कि समवन हु ट्रेवल्स वाइडली एंड फ्रीक्वेंटली. मतलब कोई व्यक्ति जो बहुत अलग अलग जगहों पे जाता है और अक्सर जाता रहता है, तो वो उसे हम कह देते हैं अ ट्रू ग्लो. क्या कह सकते हैं? अ ट्रू ग्लो ट्रॉटर. जैसे जेरी अ ट्रू ग्लो ट्रॉटर हैज विजिटेड ओवर 50 कंट्रीज इमर्सिंग हिमसेल्फ इन डाइवर्स कल्चर्स एंड क्विजींस. कि मतलब जेरी जिसको जो कि ग्लोब ट्रॉटर है, अलग अलग जगहों पे बहुत अलग अलग दूर दूर जगहों पे जाता है, अक्सर जाता रहता है, वो एक ग्लोब ट्रॉटर है क्योंकि वो बहुत अलग अलग जगहों पे जाता है, वहां पे कल्चर्स को टेस्ट करता है, महसूस करता है, और उनकी क्विजींस भी ट्राई करता है. क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो थर्ड वर्डिंग थी शाम की वो थी एक्सप्लोरर, EXPLORER, एक्सप्लोरर यानी कि समवन हु ट्रेवल्स टू न्यू और अनफेमिलियर प्लेसेस इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट देम. कोई व्यक्ति जो ऐसी ऐसी जगहों पे जाता है जो कि ज्यादा लोग गए नहीं है, या फिर वहां पे इतने ज्यादा लोग जानते नहीं उस जगहों पे, तो उन्हें एक्सप्लोर करने जाता है और उनके बारे में और सीखने जाता है, तो उसे हम कहते हैं एक्सप्लोरर. जैसे With the passion for discovery, the explorer ventured into uncharted territories, documenting rare species and much more. मतलब कि जो passion है उसका, भूख है discovery का कि नई नई जगहें ढूंढू, उसकी वजह से जो explorer होता है वो venture करता है ऐसी ऐसी जगहों पे जिनके बारे में तो chart में भी कई बार नहीं होता, map में भी नहीं होता territories के बारे में, तो वहां जाके वो अलग अलग चीजें को डॉक्यूमेंट करता है, लिखता है, फोटोग्राफी करता है, स्पीसीज हो गई या फिर अलग अलग तरीके के जो जो होता है ना, प्लांटेशन हो गई, एक्सेट्रा. क्लियर? तो चलिए इसी के बाद ये जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है हमारा, जो था फोर्थ वर्ड, वो था एडवेंचरर, ADVENTURER, एडवेंचरर यानी कि अ पर्सन हु सीक्स थ्रिलिंग एंड ओफन रिस्की एक्सपीरियंसेस. कोई व्यक्ति जिसको भूख होती है कि वो अलग अलग थ्रिल को टेस्ट करे, अलग अलग जगहों पे जाए, वहां जाके एक्सपीरियंसेस ले, रिस्क से भरे हुए, तो उसे हम कहते हैं एडवेंचरर. जैसे एलेक्स एडवेंचरस स्पिरिट लेड हिम टू स्केल टॉवरिंग पीक्स,
डाइव इन टू डीप ओशंस एंड मच मोर। जो एलेक्स के एडवेंचरस स्पिरिट है उसकी वजह से क्या होता है कि वो अलग अलग जगह पे जाता है, अलग अलग पीक्स चढ़ चुका, अलग अलग ओशंस में छलांग मार चुका और बहुत कुछ। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस। तो इसी के साथ ही होगी मेरी फोर वर्डिंग्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 347th एपिसोड। लेट मी टेक अ क्विक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के उस पर और वर्डिंग्स के साथ। स्टे ट्यून्ड। Hi everyone, this is Bhaman Irani and you're listening to Radio Udaan with Divya Sharma. This is the second segment of this 347th episode and we are talking about trending traveling wordings part 2 that ट्रेवलर्स शुड नो। ऐसी वर्डिंग्स जो कि हमेशा लोग जो ट्रेवलिंग करते हैं वो यूज करते हैं और अगर आप भी ट्रेवलर हैं तो आपको पता होनी चाहिए। तो ये पार्ट टू है क्योंकि पिछले हफ्ते ही हमने पार्ट वन में बात की थी 16 ऐसी वर्डिंग्स की। तो चलिए अब कदम बढ़ाते हैं फिफ्थ वर्डिंग की तरफ जो कि है वॉयजर। वॉयजर, VOYAGER, वॉयजर। आई रिपीट, VOYAGER, वॉयजर, यानी कि समवन हु ट्रेवल्स बाय सी और थ्रू स्पेस। कोई व्यक्ति जो कि दरिया के द्वारा या फिर स्पेस में ट्रेवल करता है उसे हम कहते हैं वॉयजर, VOYAGER, वॉयजर। जैसे द वॉयजर एम्बार्क्ड ऑन अ सोलो जर्नी अक्रॉस द अटलांटिक नेविगेटिंग स्टॉर्मी सीज एंड मच मोर। कि मतलब जो वॉयजर है जो कि पानी में ट्रेवल करता जाता है तो उसने ऐसी जर्नी, सोलो जर्नी की जहां पे वो अटलांटिक कवर करते करते अलग अलग जगहों पे नेविगेट करते करते स्ट्रॉम से भरी, तूफान से भरी सी में गया और यहां वहां गया। तो कहने का मतलब जो भी व्यक्ति पानी में डीप वाटर्स में जाकर ट्रेवल करता है या स्पेस में ट्रेवल करता है उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं वॉयजर, VOYAGER, वॉयजर। इसी के बाद जो सिक्स्थ वर्डिंग है शाम की वो आपने सुनी होगी पिलग्रिम, PILGRIM, पिलग्रिम। आई एम श्योर आप में से मोस्ट ऑफ यू माइट हैव बीन पिलग्रिम्स योरसेल्फ इन योर लाइफ समडे और द अदर। कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप भी कभी पिलग्रिम रहे होंगे। PILGRIM, पिलग्रिम होता है अ पर्सन हु ट्रेवल्स फॉर रिलीजियस और स्पिरिचुअल रीजंस। कोई व्यक्ति धार्मिक जगह पे जा रहा है या स्पिरिचुअल रीजन से कहीं जा रहा है तो वो उसको हम कह सकते हैं पिलग्रिम, PILGRIM, पिलग्रिम। जैसे कोई दरगाह जा रहा है या कोई जैसे वैष्णो देवी माता जा रहा है तो वो पिलग्रिम हुआ। क्लियर? ऐसे एग्जाम्पल इसका दे देती हूँ। एज अ पिलग्रिम एमली एम्बार्क्ड ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी टू सेक्रेट साइट्स। मतलब कि एज अ पिलग्रिम की अलग अलग सेक्रेट जगहों पे गई एमली। मतलब होता है ना कई बार अलग अलग मंदिरों में, चर्च में, गुरुद्वारों में, मॉस में, तो अलग अलग जगहों पे जाना, ठीक है? तो पिलग्रिम, एज अ पिलग्रिम, तो जो स्पिरिचुअल रीजन से ट्रेवल कर रहा हो या जा रहा हो। इसी के बाद जो सेवंथ वर्डिंग है इस शाम की वो है रोमर, रोमर, ROAMER, रोमर। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु वॉन्डर्स और ट्रेवल्स एमलेसली। कोई व्यक्ति जो कि यहाँ वहां बेमतलब से घूमता रहता है उसे हम कह देते हैं रोमर, वॉन्डरर भी उसे कहते हैं। जी हाँ, काफी अलग अलग वर्ड है जो इस चीज के लिए यूज होते हैं। तो आपको हर चीज के लिए जो हर वर्ड यूज होता है वो पता होना चाहिए, इसलिए वी आर टॉकिंग अबाउट रोमर टूडे, ROAMER, रोमर। अ पर्सन हु क्या हो जाता है, वॉन्डर्स और ट्रेवल्स एमलेसली विदाउट एनी पर्पज, विदाउट एनी एम। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, विद नो फिक्स्ड डेस्टिनेशन द रोमर ट्रेवल्ड थ्रू क्वाइट विलेजेस एंड बसलिंग सिटीज। मतलब विदाउट किसी एम के, विदाउट किसी पर्पज के जो रोमर है वो बहुत ही शांत वाले जो विलेजेस होते हैं, गांव होते हैं, उनमें से गया, फिर बिजी सिटीज में से गया, तो मतलब कोई कारण नहीं है ऐसी घूम रहा है कोई, ठीक है? तो उसे हम कह देंगे रोमर। क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग रोमर और एनी अदर वर्ड यू कैन ऑलवेज आस्क मी, जस्ट ड्रॉप मी एन ईमेल ऑन माय ईमेल आईडी divyapens31@gmail.com और यू कैन ड्रॉप योर मैसेज ऑन अवर यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान। यू विल फाइंड वोकैबुलरी डोज प्लेलिस्ट देयर, सो यू कैन ड्रॉप योर मैसेजेस इन द कमेंट एरिया ऑफ एनी एपिसोड ऑफ दिस शो। अभी के लिए जो एट्थ वर्डिंग आ रही है शाम की वो है वेफेयरर, वेफेयरर। ये आपने अक्सर सुना होगा, मतलब पता है कि नहीं वो आई एम नॉट श्योर, बट वेफेयरर वर्ड एक ऐसा है जो कि अक्सर यूज होता है, WAYFAREER, वेफेयरर। वेफेयरर यानी कि समवन हु ट्रेवल्स बाय फुट स्पेशली ऑन अ लॉन्ग जर्नी। कोई व्यक्ति जो पैदल जाता है और बहुत लंबी लंबी जर्नी पे, यात्रा पे जाता है तो उसे हम कह देते हैं वेफेयरर। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, अ ट्रू वेफेयरर माइकल सेट आउट ऑन फुट ट्रेवलिंग वास्ट
landscapes and encountering strangers who became lifetime friends. मतलब बस एक सिंपल कहने की बात है कि एज अ ट्रू वे फेयरर जो माइकल है वो बहुत अलग अलग जगहों पे गया, दूर दराज की लैंडस्केप्स में गया और बहुत अलग अलग लोगों से उसका मिलना हुआ, स्ट्रेंजर से मिलना जुलना हुआ जो कि लाइफ टाइम के लिए फिर दोस्त बन गए. होता है ना कई बार हम कहीं जाते हैं लोग मिलते हैं तो वो आपके जानकार बन जाते हैं. सो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल टू गेट यू अ क्लैरिटी. सो अ ट्रू वे फेयरर माइकल सेट आउट ऑन foot traveling vast landscapes and encountering strangers who became lifetime friends. तो चलिए इसी के साथ ये हो गई हमारी फोर वर्डिंग्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 347th एपिसोड. लेट मी टेक अ क्विक रिकैप फॉर योर ईज. तो चलिए जो पांचवा यानी कि फिफ्थ वर्डिंग थी शाम की वो थी वॉयजर, वी ओ वाई ए जी ई आर वॉयजर, यानी कि जिसका मतलब बताया था समवन हु ट्रेवल्स बाय सी और थ्रू स्पेस. कोई व्यक्ति जो पानी के द्वारा या स्पेस के द्वारा ट्रेवल करता है उसे हम कह देते हैं वॉयजर. जैसे द वॉयजर एम्बार्क्ड ऑन अ सोलो जर्नी अक्रॉस द एटलांटिक नेविगेटिंग स्टॉर्मी सीज एंड मच मोर. मतलब जो वॉयजर है जो कि पानी के थ्रू या द्वारा ट्रेवल कर रहा है उसने काफी अलग एक सोलो जर्नी ली जिसमें वो अटलांटिक को कवर किया और अलग अलग जगह पे आके नेविगेट किया. स्टॉर्मी जो तूफानी सी थी उसमें से निकला. तो इस तरीके से जो पानी के होता है ना कि पानी के द्वारा आप लंबी लंबी जर्नीज पे जा रहे हैं तो वो जाता है वॉयजर. इसी के बाद जो हमारी सिक्स वर्डिंग है शाम की वो थी पिलग्रिम, PILGRIM पिलग्रिम. आई रिपीट, PILGRIM पिलग्रिम यानी कि अ पर्सन हु ट्रेवल्स फॉर रिलीजियस और स्पिरिचुअल रीजन. कोई व्यक्ति जो धार्मिक कारणों की वजह से स्पिरिचुअल कारण की वजह से ट्रेवल कर रहा होता है उसे हम कह देते हैं पिलग्रिम. जैसे एज अ पिलग्रिम एमिली एम्ब्रेस्ड ऑन अ स्पिरिचुअल एम्बार्क्ड ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी टू सेक्रेड साइट्स एंड प्लेसेस. मतलब एज अ पिलग्रिम स्पिरिचुअल उसमें जब वो निकली तो वो अलग अलग धार्मिक जगहों पे गई. तो क्या हो गया यहाँ पे एज अ पिलग्रिम, क्लियर. तो चलिए इसी के बाद जो सेवंथ वर्डिंग है शाम की वो थी रोमर, ROAMER रोमर, यानी कि अ पर्सन हु वॉन्डर्स और ट्रेवल्स एमलेसली. कोई व्यक्ति बेवजह बिना किसी कारण के बिना किसी पर्पस के घूम रहा है यहाँ वहां तो उसे हम कहते हैं रोमर. जैसे विद नो फिक्स्ड डेस्टिनेशन द रोमर ट्रेवल थ्रू क्वाइट विलेजेस एंड बिजी स्ट्रीट्स ऑफ सिटीज. मतलब बिना किसी कारण के जो कह दिया ना जो इस ऐसे व्यक्ति के लिए हमने वर्ड यूज कर दिया रोमर, तो बिना किसी पर्पज के रोमर यहाँ वहां से घूमता गया शांत विलेजेस से गांव से और फिर बहुत ही शोर शराबे वाली सिटीज से होता हुआ इधर उधर गया, क्लियर. सो रोमर. इसी के बाद जो एट्थ वर्डिंग है शाम की वो थी वेफेयरर, WAYFAREER वेफेयरर, यानी कि समवन हु ट्रेवल्स बाय फुट स्पेशली फॉर लॉन्ग जर्नी. कोई व्यक्ति जो फुट में मतलब पैरों होता है ना पैदल चलना, पैदल चलता है बहुत लंबी लंबी जर्नी तय करता है तो उसे हम कह देते हैं वेफेयरर. जैसे अ ट्रू वेफेयरर माइकल सेट ऑन फुट ट्रेवलिंग वास्ट लैंडस्केप्स एंड एनकाउंटरिंग स्ट्रेंजर्स हु बिकेम लाइफ टाइम फ्रेंड्स. मतलब एक ट्रू वेफेयरर माइकल जो पैदल मतलब होता है पैदल आप हंड्रेड्स ऑफ हजारों कदम चली जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं और अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं और कई लोग आपके जानकार बन जाते हैं तो हमने वो कह दिया वेफेयरर, क्लियर. तो इसी के साथ ये होगी मेरी फोर वर्डिंग्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 347th एपिसोड. लेट मी टेक अ क्विक ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक विद द थर्ड सेगमेंट. मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा. शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज और बातें हो रही हैं ट्रैवलिंग रिलेटेड वर्डिंग्स की. स्टे ट्यून्ड. Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udaan, a flight of life. Tune in now. तो चलिए वी आर इन द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 347th एपिसोड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेवलिंग रिलेटेड वर्डिंग्स दैट ट्रेवलर्स शुड नो. वैसे तो हर किसी को पता होनी चाहिए वर्डिंग्स की, तो पार्ट टू की बात हो रही है क्योंकि पिछले एपिसोड में भी हमने 16 ऐसी ही वर्डिंग्स की बात की थी. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नाइन्थ वर्डिंग जो की है
गैलीवेंटर, गैलीवेंटर जी हाँ, ये आपने सुना होगा, बहुत कम सुना होगा बट पता होना चाहिए, गैलीवेंटर, GALLIVANTER, गैलीवेंटर, आई रिपीट, GALLIVANTER, गैलीवेंटर, यानी अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रीक्वेंटली फॉर प्लेजर ओफन विदाउट अ स्पेसिफिक प्लान। कोई व्यक्ति जो आनंद के लिए, अपने प्लेजर के लिए घूमता है और अक्सर कोई प्लान नहीं होता, एकदम से उठ के चल पड़ता है, प्लान नहीं करता है, तो वो हो जाता है, उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गैलीवेंटर, GALLIVANTER, गैलीवेंटर। जैसे रोहन स्पॉन्टेनियटी टर्न्ड हिम इनटू अ गैलीवेंटर, इम्पल्सिवली बुकिंग टिकट्स, फ्लाइट्स एंड गोइंग टू एक्सोटिक प्लेसेस, मतलब जो रोहन है उसकी जो सडन कह सकते हो, सडन जो होता है ना कि एक भूख, एक गैलीवेंटर काइंड ऑफ थिंग की चल पड़े कहीं भी, तो वो उसकी वजह से क्या हुआ, इम्पल्सिवली वो एकदम से बुकिंग कर लेता है फ्लाइट्स की और वो चल देता है एक्सोटिक डेस्टिनेशंस पे अपने आराम, अपने प्लेजर के लिए। सो रोहन स्पॉन्टेनियटी टर्न्ड इनटू अ क्या कह सकते हैं, गैलीवेंटर, स्पॉन्टेनियटी मतलब एकदम से सोचा और चल दिए, स्पॉन्टेनियटली टर्न्ड इनटू गैलीवेंटर, गैलीवेंटर यानी कि समवन हु ट्रेवल्स फॉर प्लेजर, ठीक है, तो इम्पल्सिवली बुकिंग टिकट्स टू एक्सोटिक डेस्टिनेशंस की, जल्दी से टिकट बुक की और अब चल दिए, क्लियर, जैसे एकदम से मन किया आनंद के लिए गोवा चले गए, आज सोचा रात को टिकट बुक की, सुबह सुबह चले गए, तो वो उस तरीके से, क्लियर, आई होप यू गॉट द सेंस, वर्ड थोड़ा अटपटा है पर अगर कोई यूज करे तो पता होना चाहिए। तो चलिए गैलीवेंटर के बाद जो 10th वर्ड है शाम का वो है ग्लोब ट्रॉटर, ग्लोब ट्रॉटर, जी हाँ, GLOBE, ग्लोब हाइफन ट्रॉटर, TROTTER, ट्रॉटर, ग्लोब ट्रॉटर, यानी कि इसका मतलब मैंने बताया था, मैं सिंपल सी भाषा में बताऊं तो समवन हु ट्रेवल्स अराउंड द वर्ल्ड ओफन फॉर प्लेजर और वर्क, मतलब आनंद के लिए भी, काम के लिए भी, जो वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे घूमने जाता है व्यक्ति, उसके लिए हम ये यूज कर देते हैं ग्लोब ट्रॉटर। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ सिंपल सा, मार्क्स जॉब एज अ ट्रेवल राइटर टर्न्ड हिम इनटू अ ग्लोब ट्रॉटर, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड्स मोस्ट एंचांटिंग डेस्टिनेशंस फॉर हिज रीडर्स, कि मतलब जो मार्क की जॉब है एज अ ट्रेवल राइटर, उसकी वजह से वो एक ग्लोब ट्रॉटर बन गया, जिसकी वजह से वो बहुत देश, वर्ल्ड के अलग अलग देशों में, जगहों पे जाते हैं, वहां का एक्सपीरियंसेस, डेस्टिनेशन के बारे में अपने रीडर्स को बताता है, क्लियर। सो उसके लिए हमने, उस व्यक्ति के लिए हमने क्या वर्ड यूज कर दिया, ग्लोब ट्रॉटर, यानी कि अ पर्सन हु ट्रेवल्स फॉर प्लेजर एंड वर्क। तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 11th वर्डिंग फॉर द इवनिंग, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, रेबलिन मैन या फिर वुमेन, अगर आप लड़के हैं तो लड़का, लड़की है तो लड़की, तो वर्ड क्या मीन, रेम्बलिन, RAMBLIN, N फॉर न्यूजीलैंड, रेम्बलिन, रेम्बलिन मैन या रेम्बलिन वुमेन, मीनिंग होता है अ पर्सन, टिपिकली अ म्यूजिशियन हु ट्रेवल्स एक्सटेंसिवली परफॉर्मिंग और सीकिंग इंस्पिरेशन। कोई व्यक्ति जो म्यूजिक बजाता हुआ दुनिया भर में घूमता रहता है और इंस्पिरेशन के लिए, कोई नई जगह जाएगा, वहां से कुछ इंस्पिरेशन ले ली और कोई गाना लिख दिया, या आपने देखा होगा लोग गिटार लेके या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके पूरे वर्ल्ड में घूम रहे होते हैं, बजा रहे होते हैं, तो उनके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं रेम्बलिन, RAMBLIN, रेम्बलिन। जैसे कि इफ यू आर अ पर्सन हु गोज टू प्लेसेस एंड यू नो विद योर इंस्ट्रूमेंट एंड यू सिंग, यू प्ले, देन यू कैन से यू आर अ रेम्बलिन मैन या यू आर अ रेम्बलिन वुमेन, क्लियर। जैसे एग्जाम्पल देते हो, विद अ गिटार स्ट्रैप्ड टू हिज बैक द रेम्बलिन मैन वॉन्डर्ड फ्रॉम टाउन टू टाउन शेयरिंग हिज सॉन्ग्स, मतलब कि जो गिटार उसने पहना हुआ था अपने कंधे पे और वो जो रेम्बलिन मैन था यानी कि जो गाता बजाता जा रहा था, वो यहाँ वहां से टाउन अलग अलग टाउन्स में जाता हुआ अपने गाने शेयर करता हुआ जा रहा था, क्लियर। सो आई होप यू गॉट द सेंस, फिर भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, आपको पता ही है, आपको मेल करना है मुझे divyapens31@gmail.com, दैट इज divyapens31@gmail.com, या आप यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट वोकैबुलरी डोज की मिल जाएगी, वहां पे वोकैबुलरी डोज के किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में आप अपना जो भी क्वेश्चन है, डाउट है या व्यूज, आपको कुछ भी चाहिए आप प्लीज डालिए, एंड आई मेक श्योर टू मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। तो अभी के लिए रेम्बलिन के बाद जो हमारा 12th वर्ड आ रहा है शाम का, यानी कि वर्डिंग आ रही है, वो है ड्रिफ्टर, ड्रिफ्टर, DRIFTER, ड्रिफ्टर, यानी कि अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ फिक्स्ड
होम और जॉब। कोई व्यक्ति जो यहाँ से वहाँ घूमता है, ना उसके पास कोई फिक्स्ड घर है, ना ही कोई रहने का ठिकाना है, ना ही कोई काम काज है, तो उसे आप कहते हैं ड्रिफ्टर, DRIFTER, ड्रिफ्टर। जैसे द ड्रिफ्टर स्पेंट हिज डेज हिच हाइकिंग अलोंग डस्टी हाईवेज एम्ब्रेसिंग द फ्रीडम ऑफ द ओपन रोड एंड द, मतलब कहने की बात है जैसे होता है ना कि ये जो लोग होते हैं कैंप लगा देते हैं रोड साइड कहीं पे रुक जाएंगे, ये इधर उधर रुक के अपना रात काट लेते हैं, आराम कर लेते हैं, तो इनको ड्रिफ्टर्स के लिए आप ऐसे यूज कर सकते हो। द ड्रिफ्टर स्पेंड हिज डेज इन द कैंप अलोंग द रोड या अलोंग द लेक, क्लियर। तो ये कुछ भी कह सकते हो एग्जाम्पल के लिए। तो सिंपल सी बात है, ड्रिफ्टर एक ऐसे व्यक्ति के लिए वर्डिंग यूज होती है जिसके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है, कोई काम काज नहीं है, वो यहाँ से वहां घूमता रहता है, क्लियर। तो इसी के साथ ये होगी हमारी 4 वर्डिंग्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 347th एपिसोड। आपकी आसानी के लिए एक जल्दी से रिकैप तो बनता ही है हमेशा की तरह। तो चलिए, जो 9th वर्डिंग थी शाम की वो था गैलीवेंट, GALLIVENTER, GALLIVENTER, यानी कि अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रीक्वेंटली फॉर प्लेजर ओफन विदाउट अ स्पेसिफिक प्लान। कोई व्यक्ति जो अक्सर यहाँ से वहां घूमता रहता है, कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं है फिर भी वो यहाँ वहां घूमता रहता है, तो उसके लिए हम बोल देते हैं गैलीवेंटर। एग्जाम्पल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, लीजा स्पॉन्टेनियटी टर्न्ड हर इनटू अ गैलीवेंटर, impulsively booking tickets and going to exotic places. Yeah, Rohan's spontaneity turned him into a gallivanter, impulsively booking tickets to exotic destinations. मतलब जैसे कि एकदम से आपका मन किया अरे घूमने जाना है, मजा करना है, तो आपने अभी सोचा, आपने अभी बुक कर दी टिकट और कल सुबह गोवा चले गए, क्लियर। सो इट्स लाइक ए gallivanter, क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो 10th वर्डिंग है शाम की वो थी ग्लोब ट्रॉटर, GLOBE ग्लोब हाइफन ट्रॉटर, TROTTER ट्रॉटर, ग्लोब ट्रॉटर। कई लोग हाइफन डाल के लिखते हैं, कई लोग इकट्ठे भी लिख देते हैं, सो दैट्स अप टू यू, बट अक्सर ज्यादा लोग हाइफन डाल के लिखते हैं ग्लोब ट्रॉटर, GLOBE ग्लोब ट्रॉटर, TROTTER ट्रॉटर। जैसे मीनिंग सिंपल सा है जो मैंने बताया था, समवन हु ट्रेवल्स अराउंड द वर्ल्ड ओपन फॉर प्लेजर और वर्क, कोई काम के लिए या कोई मजे के लिए वर्ल्ड में दुनिया भर में घूमता है तो उसको हम कह देते हैं ग्लोब ट्रॉटर। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, मार्क्स जॉब एज अ ट्रेवल राइटर टर्न्ड हिम इनटू अ ग्लोब ट्रॉटर, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड्स मोस्ट एंचांटिंग डेस्टिनेशंस फॉर हिज रीडर्स। मतलब जो मार्क की जॉब है ट्रेवल राइटर की ट्रेवलिंग पे जो वो लिखता है उसकी वजह से वो एक ग्लोब ट्रॉटर बन गया कि वो वर्ल्ड के अलग अलग जगहों पे जाता है, वहां पे देखता है, वहां पे रहता है और वहां के बारे में लिख के अपने रीडर्स तक पहुंचाता है, क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो 11th वर्डिंग है शाम की वो थी रैम्बलिन मैन या रैम्बलिन वुमेन, RAMBLIN रैम्बलिन मैन या वुमेन, मैन या वुमेन वो अकॉर्डिंगली हो जाएगा कि आदमी या औरत है। तो रैम्बलिन का मतलब होता है अ पर्सन, टिपिकली अ म्यूजिशियन हु ट्रेवल्स एक्सटेंसिवली परफॉर्मिंग और सीकिंग इंस्पिरेशन। कोई व्यक्ति अक्सर जो म्यूजिशियन होता है जिसे म्यूजिक गाना बजाने का शौक होता है वो जगह से जगह तक घूमता है, अलग अलग जगहों पे जाता है घूमने, गाता बजाता और नई नई इंस्पिरेशन लेता है वहां से, तो वो हो जाता है रैम्बलिन मैन या रैम्बलिन वुमेन। जैसे विथ अ गिटार स्ट्रैप्ड टू हिज बैक द रैम्बलिन मैन wandered from town to town sharing his songs with others. मतलब गिटार उसकी कंधे पे लटका हुआ था और वो रैम्बलिन मैन यानी कि जो गाता बजाता जा रहा है जगह से जगह, तो वो अलग 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 टाउन्स में होता हुआ गाता हुआ अपने गाने शेयर करता हुआ जा रहा था, क्लियर। सो रैम्बलिन, सो रैम्बलिन इज अ वर्ड दैट यू कैन यूज फॉर अ पर्सन हु ट्रेवल्स डिफरेंट प्लेसेस सिंगिंग प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर, क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो 12th वर्ड है शाम का वो था ड्रिफ्टर, DRIFTER ड्रिफ्टर, DRIFTER ड्रिफ्टर, यानी कि सिंपल मीनिंग था अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ फिक्स्ड होम और जॉब। कोई व्यक्ति जो जगह से जगह दर घूमता है और ना ही उसके पास कोई रहने का ठिकाना है और ना ही कोई काम काज है, तो उसे हम कहते हैं ड्रिफ्टर। जैसे द ड्रिफ्टर स्पेंट हिज डेज in the camps along the dusty highways or sometimes in the jungles
इन द फ्रीडम ऑफ स्काई. मतलब सिंपल सी बात है कि जो ऐसे लोग जो जिनके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं होता, ड्रिफ्टर्स होते हैं, काम काज नहीं होता, तो वो कहीं भी जा रहे होते हैं, जब उनका मन करता है वहीं रुक के कैंप लगा लेते हैं या वहीं पे कहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं, तो वो हो जाता है ड्रिफ्टर. क्लियर? तो चलिए इसी के साथ ये होगी मेरी फॉरवर्डिंग्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 347th एपिसोड. तो मैं आज लोगो फाइल दिव्या शर्मा अब जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर फोर्थ सेगमेंट में और वर्डिंग्स के साथ. स्टे ट्यून्ड. Ready to make a difference? Your vote matters. It's not just about rights, it's about owning our responsibility to our nation. Let us all step up, cast our votes and shape the future together. Join us in this journey brought to you by Radio Udaan. This is the fourth segment of this 347th episode and we are talking about 16 ट्रेवलिंग वर्डिंग्स पार्ट टू. तो चलिए नाउ द 13th वर्डिंग फॉर द इवनिंग इज ट्रेवलर. जी हाँ, ट्रेवलर्स की बात हो रही है तो ट्रेवलर वर्ड तो आना बनता ही था. TRAVELER, ट्रेवलर यानी कि समवन हु जर्नली या हु होता ना जैसे हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ओफन एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस. कोई व्यक्ति जो यहाँ वहां जाना पसंद करता है, नई नई जगहों पे नए नए लोगों से मिलना, खाना पीना, अलग अलग कल्चर्स को टेस्ट करना, तो वो ट्रेवलर होता है. क्लियर? तो ट्रेवलर तो सिंपल सा वर्ड है, इसका एग्जाम्पल भी वैसे दे देती हूँ. एज अ सीजन्ड ट्रेवलर रोहन पासपोर्ट वॉज फिल्ड विद स्टैम्प्स फ्रॉम एक्सोटिक locations. मतलब कि क्योंकि वो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करता है तो वो ट्रैवलर है, तो उसकी वजह से उसका जो पासपोर्ट उसमें अलग अलग स्टैम्प्स लगी हुई अलग अलग एक्सोटिक जगहों की. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 14th वर्डिंग फॉर द इवनिंग जो कि है itinerant. itinerant, itinerant, यानी कि अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पेशली फॉर वर्क. कोई व्यक्ति जो काम के लिए यहाँ से वहां जाता है, जगह जगह दर बदर जाता है, तो उसे हम कह देते हैं itinerant. itinerant, itinerant. तो चलिए, जो मैं बात कर रही थी वो सिंपल सी है itinerant की. द itinerant आर्टिस्ट went from place to place and earned his livelihood. मतलब जो itinerant यानी कि काम के सिलसिले में यहाँ से वहां जाता है तो वो आर्टिस्ट यहाँ से वहां गया और उसने पैसे कमाए. क्लियर? तो सिंपल सा सेंटेंस है. कोई व्यक्ति जो काम के चक्कर में इधर से उधर जाता है, यहाँ से वहां, वहां से कहीं और, तो उसे हम कहते हैं itinerant. इसी के बाद जो 15th वर्डिंग है शाम की वो है जिप्सी. GYPSY, जिप्सी. जिप्सी यानी कि अ मेंबर ऑफ अ ट्रेडिशनली कह सकते हो नोमैडिक वर्ड की बात हमने पिछले एपिसोड में की थी. नोमैडिक जो व्यक्ति यहाँ से वहां घूमते हैं, नोमैडिक एथनिक ग्रुप और समवन लीड्स अ नोमैडिक और कह सकते हो अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल. मतलब सिंपल सी बात है कि कोई व्यक्ति या तो वो ट्रेडिशनली जो नोमैडिक होता ना एथनिक ग्रुप जो रहा है पहले समय में होते थे जो घूमते ही रहते थे, या तो उस ग्रुप में था मतलब उसको फॉलो करता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसा लाइफस्टाइल नोमैडिक वाला जीता है कि यहाँ से वहां उसका लाइफस्टाइल अनकन्वेंशनल है, वो एक जगह नहीं रहता, कभी कहीं रह रहा है कभी कहीं रह रहा है, तो वो उसे हम कहते हैं जिप्सी. GYPSY, जिप्सी. सो इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग जिप्सी, यू नो व्हाट टू डू. जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन माय ईमेल आईडी divyapens31@gmail.com और जस्ट विजिट अवर यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान. Therein, go to the vocabulary dose playlist and drop in your message in the comment area of any episode of vocabulary dose, and I'll make sure to make it clear to you there as well. तो gypsy के बाद अभी जो एक example भी बनता है वो है born into a family of traveling performers, Sufia embraced this gypsy heritage. मतलब एक ऐसी फैमिली में पली भरी सूफिया जहाँ पे परफॉर्मर्स थे, वो ट्रेवल करते रहते थे, तो उसकी वजह से उसने भी वो एक हेरिटेज ले लिया. मतलब उसको भी आदत पड़ गई जिप्सी की, यहाँ वहां रहना, एक जगह ना टिकना. क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो हमारा 16th यानी कि लास्ट वर्ड है शाम का वर्डिंग वो है सोजर्नर. सोजर्नर जी हाँ, बहुत ही अटपटा सा, बहुत ही ड्राई सा वर्ड है, बट पता होना चाहिए. सोजर्नर, SOJURNER, सोजर्नर यानी कि समवन हु रिसाइड्स टेम्पररी इन अ प्लेस ओफन टू कह सकते हो
ओपन फॉर कल्चरल और एजुकेशनल पर्पसेस। कोई व्यक्ति जो थोड़ी सी देर के लिए किसी स्पेसिफिक जगह में रहता है एजुकेशन के लिए या फिर किसी कल्चर से रिलेटेड पर्पस के लिए, तो उसे हम कहते हैं सॉजर्नर। सॉजर्नर, SOJURNER, सॉजर्नर। सॉजर्नर एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। एज अ सॉजर्नर इन फॉरेन लैंड्स, जॉन सॉट टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर्स, परसेप्शंस एंड मच मोर। मतलब कि एज अ सॉजर्नर इन फॉरेन लैंड्स, कि मतलब फॉरेन जगह पे आप गए, वहां पे जाके आप पढ़ाई कर रहे हो, तो वहां पे आप रहे तो आपको अलग अलग चीजें सीखने को मिली, अंडरस्टैंड करने को मिली, कल्चर्स का पता लगा, पर्सपेक्टिव्स का, लोगों के नजरियों का पता लगा, तो वो हो गया एक सॉजर्नर। क्लियर? SOJOURNER, SOJOURNER, सॉजर्नर। क्लियर? यानी कि आप एक ऐसी किसी जगह पे थोड़े टाइम के लिए गए हैं एजुकेशन के लिए या कल्चर के लिए, और वहां पे आपको अलग अलग चीजें सीखने को मिली। तो इसी के साथ ये होगी हमारी फोर वर्डिंग्स फॉर द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस 347th एपिसोड। रिकैप ले लेती हूँ जल्दी से आपकी आसानी के लिए। 13th वर्डिंग थी शाम की ट्रेवलर, TRAVELER, ट्रेवलर यानी कि समवन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ओपन एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर्स एंड लैंडस्केप्स। कोई व्यक्ति जो यहाँ से वहां घूमता रहता है नए नए कल्चर्स को एक्सप्लोर करने के लिए, लैंग्वेजेस को सीखने के लिए, जानने के लिए, तो उसे हम कहते हैं ट्रेवलर। जैसे एज अ सीजन्ड ट्रेवलर, रिचर्स पासपोर्ट वॉज फिल्ड विद स्टैम्प्स ऑफ एक्सोटिक डेस्टिनेशंस। कि मतलब एक सीजन ट्रेवलर होने के करके रिचा का जो पासपोर्ट था वो भरा हुआ था अलग अलग जगहों की स्टैम्प से। क्लियर? तो इसी के बाद जो 14th वर्डिंग है शाम की वो थी आइटनरेंट, ITINERANT, आइटनरेंट यानी कि अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पेशली फॉर वर्क। कोई व्यक्ति जो काम के सिलसिले में जगह से जगह बदल जाता रहता है तो उसे हम कहते हैं आइटनरेंट। जैसे द आइटनरेंट आर्टिस्ट went from place to place and earned his livelihood। मतलब जो आर्टिस्ट है वो जगह से इधर उधर जाता रहा, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह as an itinerant, और वो कमाया उसने वहां पे। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 15th वर्डिंग है शाम की वो थी जिप्सी, GYPSY, जिप्सी यानी कि इसके दो मीनिंग है। एक तो अ मेंबर ऑफ अ ट्रेडिशनली नोमैडिक एथिक ग्रुप, की एक बहुत पहले समय में ग्रुप्स हुआ करते थे, ट्रेडिशनल ग्रुप्स होते थे। नोमैडिक की बात की हमने पिछले एपिसोड में, नोमैडिक यानी कि जो व्यक्ति इधर से उधर घूमते रहते हैं, तो ऐसे एथनिक ग्रुप थे, या तो उनको फॉलो करता है, या फिर समवन हु लीड्स अ नोमैडिक और अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल। कोई व्यक्ति जो नोमैडिक लाइफस्टाइल जीता है यानी कि एक जगह नहीं रुकता है, यहाँ वहां घूमता रहता है, या फिर वो उसका लाइफस्टाइल अनकन्वेंशनल है कि वो एक जगह नहीं रहता, कुछ साल या कुछ महीने एक जगह रहा फिर कुछ महीने बाद कहीं और है, तो वो जिप्सी। क्लियर? जैसे बॉर्न इनटू अ फैमिली ऑफ ट्रेवलिंग परफॉर्मर्स, सूफिया एम्ब्रेस्ड हर जिप्सी हेरिटेज। मतलब कि ऐसी फैमिली में जब वो पैदा हुई और भली पड़ी सूफिया ने, मतलब जहाँ पे ट्रैवलिंग परफॉर्मर्स थे सब, तो वो वाली चीज जो थी सूफिया में भी आ गई और वो एक जिप्सी हेरिटेज उसने ले ली, यानी कि वो भी इधर उधर रहने लगी। क्लियर? तो इसी के बाद जो 16th वर्डिंग थी शाम की वो थी सॉजर्नर। सॉजर्नर, SOJOURNER, सॉजर्नर, आई रिपीट, SOJOURNER, सॉजर्नर यानी कि समवन हु रिसाइड्स टेम्पररी इन अ प्लेस ओपन फॉर कल्चरल और एजुकेशनल पर्पसेस। कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए किसी जगह पे रहता है कुछ सीखने के लिए या कल्चर के लिए, तो उसे हम कहते हैं सॉजर्नर। जैसे एज अ सॉजर्नर इन फॉरेन लैंड्स, जॉन सॉट टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर्स एंड पर्सपेक्टिव्स एंड मच मोर। कि मतलब एज अ सॉजर्नर की कुछ समय के लिए, जैसे दो साल के लिए कोई पढ़ाई के लिए फॉरेन लैंड पे गया, किसी कंट्री में गया, तो वहां पे वो उसने अलग अलग कल्चर्स के बारे में सीखा, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, नजरिया के बारे में सीखा, लोगों के लाइफस्टाइल, रहन सहन के बारे में सीखा, तो सॉजर्नर हो गया वो। क्लियर? क्योंकि वो पढ़ाई के पर्पज से गया था वहां। तो चलिए इसी के साथ ये होगी मेरी फोर वर्डिंग्स फॉर द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस 347th एपिसोड। तो मैं आज लोगों फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में, और बात करेंगे कि कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 347th एपिसोड एंड टूडे वी हैव टॉक्ड अबाउट 16 ट्रेवलिंग
वर्डिंग्स पार्ट टू। जी हाँ, ऐसी वर्डिंग्स की बात की है जो कि ट्रेवलर्स को जरूर पता होनी चाहिए। अगर आप घूमना पसंद करते हैं तो आपको आनी जरूर चाहिए। तो ये वर्डिंग्स के आज हमने बात की। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, या कोई आप कंसेप्ट चाहते हैं कि मैं लेके आऊं, या कोई भी व्यूज हैं, आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, बेझिझक दिल खोल के शेयर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाइए www.radiouran.com, या आप यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाइए, वहां पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा, और वहां पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको वोकैबुलरी डोज शो की। तो वहां पे आप किसी भी एपिसोड के इस शो के कमेंट एरिया में अपना जो भी क्वेश्चन, डाउट, फीडबैक या जो भी आप शेयर करना चाहते हैं वो कीजिए, एंड आई विल मेक श्योर टू मेक इट क्लियर टू यू और रिप्लाई टू यू देयर एज वेल। या फिर आप हमें बिल्कुल रीच आउट कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, रेडियो उड़ान RADIOUDAAN के नाम से हम हर जगह आपको मिल जाएंगे, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, एक्स हो, ट्विटर हो, या फिर लिंक्डइन ही क्यों ना हो। और साथ ही अगर आप मुझे पर्सनली मेल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। अभी के लिए मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7-8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2-3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मुझे दीजिए इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम निरनंगल डैम स्टूडियो पंजाब इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड लक एंड स्टे हाइड्रेटेड। काफी गर्मी पड़ रही है तो कोशिश कीजिए कि हर एक घंटे बाद पानी पिए, और बिल्कुल भी पानी में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। सो स्टे हाइड्रेटेड, सी यू नेक्स्ट वीक।